दर्शकों पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है आज हम हैं शेल्बी हॉस्पिटल ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा डॉक्टर मनोज शर्मा मुझे किसी ने इनको इनका नाम दिया था तो आई हैव कम हियर एंड आई वाज फुली सेटिस्फाइड विद द वर्क ही हैज डन फॉर मी एंड कंटिन्यूसली फॉर थ्री फोर टाइम्स आई हैव कम आई एम फुली सेटिस्फाइड आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट देखिए ये तो पेशेंट का प्यार है जो इतना डॉक्टर साहब को प्रेस करते हैं डॉक्टर साहब हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस यूरोलॉजिस्ट हैं और मैं उनके साथ जुड़ा हूँ पिछले तीन चार साल से मेरा ड्यूटी है पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए उनका फ़ोन उठाना उनकी केयर करना ताकि हमारे डॉक्टर साहब का नाम, नाम हो और अच्छे से फीडबैक आए प्लस चैनल पे आपका स्वागत है आज हम आए हैं शलबी हॉस्पिटल जो एन ए बी एच है और उसमें हर तरह की मॉडर्न फैसिलिटीज अवेलेबल हैं आज हम बात करेंगे डॉक्टर मनोज शर्मा जी के साथ जो कि एम सी एच है और यूरोलॉजिस्ट हैं सर आप डॉक्टर मनोज जी से आपने लेप्टोस्कोप की सर्जरी कराई कैसा रहा क्या कहना चाहेंगे ऑपरेशन बहुत अच्छा रहा डॉक्टर मनोज शर्मा मुझे किसी ने इनको इनका नाम दिया था तो आई वाज फुली द वर्क ही डन फॉर मी एंड फॉर थ्री फोर टाइम्स आई प्रॉब्लम कहाँ से आप आई एम सेक्टर ट्वेंटी पंचकूला क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ का स्टाफ यहाँ का एम और यहाँ का जो नेटवर्क है और डॉक्टर मनोज का बिहेवियर कैसा मनोज का डॉक्टर साहब का तो बिहेवियर बहुत अच्छा वेरी फ्रेंडली है ऑपरेशन थिएटर इसने मुझे ऐसे ट्रीट किया दैट आई वॉज होम घर में बैठा हूँ मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है एंड स्टाफ इज़ ऑल्सोटर देर वॉज कोऑपरेटिव आई नो मनोज क्या कहना चाहेंगे कि खेलवी हॉस्पिटल एक तो इतना बड़ा एम बी एस इतना बड़ा नेटवर्क और उसके साथ साथ डॉक्टर मनोज का लंबा एक्सपीरियंस और एम सी एच देखिए ये तो पेशेंट का प्यार है जो इतना डॉक्टर साहब को प्रेस करते हैं डॉक्टर साहब हमारे बहुत ही एक्सपीरियंस यूरोलॉजिस्ट हैं और मैं उनके साथ जुड़ा हुआ पिछले तीन चार साल से मेरा ड्यूटी है पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम ना आए उनका फ़ोन उठाना उनकी केयर करना ताकि हमारे डॉक्टर साहब का नाम हो और अच्छे से फीडबैक आए हम और लोगों को अपने एक्सपीरियंस से उनको कंफर्टेबली यहाँ पे ऑपरेट कर सकें और देख सकें हम चाहेंगे कि जो भी किडनी के पेशेंट होते हैं वो मल्टी सेंसिस होते हैं और यहाँ पर हर ब्रांच चाहे न्यूरो की बात कर लें हार्ट की बात कर लें तो हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है हाँ जी शैल्बी हॉस्पिटल में आपको हर एक प्रकार के डॉक्टर मिलेंगे चाहे वो न्यूरोसर्जन हो कार्डियोलॉजिस्ट हो औरथोपैडिक हो यूरोलॉजी हो न्यूरोलॉजी हो आप यहाँ पर किसी प्रकार का इलाज करवा सकते हैं यू कैन गो फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रीटमेंट दिस इज ए मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है आज हम आपको मनाने जा रहे हैं डॉक्टर मनोज शर्मा एक ऐसा नाम जिन्होंने आज तक हजारों की गिनती में पेशेंट्स को उन पेशेंट्स को जो किडनी स्टोन के साथ जो और प्रॉब्लम के साथ ग्रस्त थे उनको नई जिंदगी दी है डॉक्टर मनोज जी आपका स्वागत है हमारे स्पेशल शो में धन्यवाद जी धन्यवाद डॉ क्या कहना चाहेंगे कि किडनी जो कि पहले तो कहीं कहीं देखा जाता था स्टोन्स किडनी स्टोन्स और प्रॉब्लम्स लेकिन जैसे जैसे समय आ रहा है आ और बढ़ रहा है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं अब किडनी स्टोन की बात कर लें तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इसके साथ साथ पेशेंट्स हैं जो वो जल्दी जल्दी इसको इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते कि हम किडनी स्टोन से ग्रस्त हैं वो कोई ना कोई टोट के हमने वो पूड़ी खा ली हमने वो कर लिया क्या कहना चाहेंगे देखिए किडनी किडनी के बारे में पहले पता होना चाहिए किडनी हमारे शरीर का फिल्टर है जिसने खून साफ़ करना है हमारे हमने जो कुछ खाया पिया दवाई खाई कोई खून में गई किडनी ने फिल्टर करके पेशाब के रास्ते बाहर निकाल दी कोई सॉल्ट खाया वो ब्लड में गया हमारे उसने अपना काम किया और वो किडनी के रास्ते बाहर निकल गया तो किडनी ने हमारे खून को साफ़ करना है तो वो सारे बाय प्रोडक्ट हमारे जो वो निकालती है जितने भी हार्मफुल यूजलेस या जिनका काम हो चुका है इसलिए जो स्टोन भी बनता है वो बाय प्रोडक्ट के कारण बनता है तो हमारे खान पान पर बहुत निर्भर करता है ये सारी चीज़ें कि हम खाते क्या हैं जैसा हमारा खान पान होगा वैसा ही हमारा ब्लड में जाएगा वैसा ही किडनी उतना साफ करेगी वैसा सब कुछ पानी ठीक होगा तो उसमें सॉल्ट कम होंगे खान पान में सादा खाना होगा तो उसमें कम इम्प्योरिटीज़ होंगी इम्प्योरिटीज़ जितनी है ज़्यादा इंप्योरिटीज़ वाला खाना होगा प्रिजर्वेटिव वाला खाना होगा ये सब साफ़ तो किडनी नहीं करना है खून तो उतनी इम्प्योरिटी जाएंगी उस हिसाब से स्टोन बनते हैं अगला आपने प्रश्न पूछा कि किडनी स्टोन हमें कब ट्रीट कराना चाहिए सारा कुछ डिपेंड करता है कि किस पोजिशन पर स्टोन है किस साइज़ का स्टोन है कितना उसने तंग कर रखा है कितना उसने किडनी में डैमेज कर रखा है इस हिसाब से हम स्टोन की ट्रीटमेंट करते हैं तो ये पूरा साइंटिफिक अप्रोच है कि हमें मेथड कौन सा यूज़ करना चाहिए कौन सा हमें स्टोन को मेडिसिन से ट्रीट करना चाहिए कौन से स्टोन को हमें सर्जिकली निकालना चाहिए और तीसरी बात जो स्टोन है ये रिकरेंट होता है कि एक बार हमने ऑपरेशन करा लिया इसका ये मतलब नहीं है कि दोबारा स्टोन नहीं बनेगा अगर आपकी आदतें वही रही अगर आपका खान पान वही रहा तो स्टोन दोबारा भी हो सकता है तो इसका मतलब जैसे आप एक मैनेजमेंट वाले हेल्थ uh, मैनेजमेंट वाले डॉक्टर माने जाते हैं कि डॉक्टर मनोज के पास जो आ जाता है फिर वो उनका ही होकर रह जाता है क्योंकि आप लोग कोशिश करते हो कि ऑपरेशन भी लास्ट जोड में लें और पहले कोशिश करते आप लोग मेडिसन के साथ और उसके लाइफ के साथ ही उसको ट्रीट किया जाए पेशेंट को होलिस्टिक ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए क्योंकि स्टोन ट्रीटमेंट ही स्टोन निकालना ही स्टोन की ट्रीटमेंट नहीं है इसको दोबारा ना होने देना भी इसकी ट्रीटमेंट है इसके लिए जो भी पेशेंट को एक बार स्टोन होता है उसको दोबारा छः महीने या साल बाद एक बार चेकअप करा लेना चाहिए कि क्या कंडीशन है दोबारा तो नहीं बन रहा बनने के चांसेस कितने हैं क्या वो जो डॉक्टर ने परहेज बनाए बताए थे वो कर रहा है या नहीं क्या ये स्टोन दोबारा बनेगा और बन गया है तो निकालने के चांस ही क्योंकि बहुत सारे मेथड हैं रिमूवल के ऑपरेशन से बिना ऑपरेशन के कुछ दवाइयाँ आ गई हैं आजकल जिनसे निकल जाते हैं स्टोन पर ये सारा कुछ साइज़ और पोजीशन पे डिपेंड करता है और स्टोन प्रिवेंशन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आजकल बन चुका है स्टोन ट्रीटमेंट का इसलिए हमें स्टोन की ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रिवेंशन पर भी ध्यान देना चाहिए ऐसे क्या कहना चाहेंगे कि जब इसकी जो सर्जरीज हैं वो भी लेटेस्ट मेथड्स हैं जो पहले लेप्रोस्कोपी और उसके बाद और भी नए नए टेक्निक्स आ चुकी हैं जिनके साथ पेशेंट को ज़्यादा देर स्टे नहीं करना पड़ता हॉस्पिटल में कोई लंबे कट नहीं लगते क्या कहना चाहेंगे देखिए आजकल तो सर्जरी की एडवांसमेंट का एफर्ट ये है कि पेशेंट के छोटे से छोटा कट लगे और बिना कट के सर्जरी हो जाए तो इन तरह से सब मैथड स्टोन सर्जरी में अवेलेबल हैं हम लिथोट्रिप्सी बोलते हैं जिसमें बिना ऑपरेशन के स्टोन टूट जाता है और रेत बन के निकल जाता है पी सी एन एल यूरेट्रोस्कोपी इन सब में छोटे छोटे कट लगते हैं जो दो या तीन एम एम के होते हैं दूरबीन से हम स्टोन को तोड़ के स्टोन रिमूवल कर देते हैं फिर लेटेस्ट मैथड है आर आई आर एस इसमें फ़्लेक्सीबल स्कोप इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे स्टोन को हम मिट्टी बना देते हैं लेजर से और कैसा भी स्टोन रिमूव कर सकते हैं परंतु हर स्टोन के लिए एक अलग मेथड है और ये डॉक्टर ही डिसाइड करता है कि बेस्ट मेथड कौन सा है किस पेशेंट के लिए सो so, डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए क्वालिफाइड uh, डॉक्टर आजकल यूरोलॉजिस्ट हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं स्टोन रिमूवल के तो उनसे सलाह लेके कौन सा मेथड लॉन्ग टर्म फ़ायदे के लिए है वो यूज़ करना चाहिए बस अगर हम बात कर लें मेल इनफर्टिलिटी की बात कर लें क्या कहना चाहेंगे कि आज का जो सिनेरियो है जिसमें लोगों का जो लाइफस्टाइल है खान पीन है वो ऐसा हो चुका है और मेल इनफर्टिलिटी की दर भी बढ़ रही है और लोग इससे ग्रस्त हैं क्या कहना चाहेंगे कि एक अच्छे यूरोलॉजिस्ट के पास वो जाए तो उसके लिए उसको होना चाहिए ये नहीं है कि नीम हकीमों के पास चला गया क्योंकि ये साइंटिफिक चीज़ें हैं देखिए इनफर्टिलिटी पहले तो ये टॉपिक डिस्कस ही नहीं होता था बहुत कम डिस्कस होता था आजकल बहुत कॉमन हो गया है इसके कारण क्या है? सबसे पहला कारण तो लेट मैरिजिज़ लोग सेटल हो जाते हैं उसके बाद मैरिज़ करते हैं पहले ज़माने में बीस बाईस की उम्र में शादियाँ हो जाती थी पच्चीस छब्बीस साल तक आ, बच्चे हो जाते थे आजकल तो आजकल तो बच्चों शादी के बारे में लोग सोचते ही 26, 27, 28, 28 के बाद हैं जब कैरियर सेटलमेंट हो जाती हैं 30, 32 के बाद बच्चे की बात सोचते हैं तो इससे चांसेस ऑफ जो हाईएस्ट पीक फर्टिलिटी एज होती है वो नहीं रहती दूसरा कारण है कि बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ हो चुकी है स्ट्रेस इतना बढ़ गया है कैरियर स्ट्रेस प्रोग्रेस स्ट्रेस टारगेट मिलते हैं नींद पूरी नहीं होती Uh, ये स्ट्रेस का कोई ना कोई फैक्टर फर्टिलिटी पे है चौथा uh, खान पान हमारा जंक फूड हेल्दी फूड नहीं है ये भी एक रीज़न है इनफर्टिलिटी का पेस्टिसाइड्स uh, बहुत यूज़ होते हैं आजकल प्रिजर्वेटिव uh, बहुत यूज़ होते हैं तो कोई ना कोई असर तो रहता ही है फर्टिलिटी uh, लेवल पे। सो so, ये एक तरह से कॉमन uh, हो गया है लोगों का सोने का पैटर्न रात को काम करते हैं लेट नाइट तक दिन में सोते हैं जैसे आजकल के आईटी सेक्टर के लोग हैं या कॉल सेंटर्स के लोग हैं सो so ये सारे फैक्टर इनफर्टिलिटी पे इफ़ेक्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका कि हमें ट्रीटमेंट कैसे करनी चाहिए देखिए ये एक बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है कि आप में से कौन सा पार्टनर फीमेल का रोल है इसमें या मेल का रोल है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि फिफ्टी फिफ्टी परसेंट रोल है दूसरा हम इन्वेस्टिगेट किसको करें तो पहले मेल को करना चाहिए क्योंकि सबसे आसान है इसमें कोई वो नहीं होता हमारा सोसाइटी में हम फीमेल को पहले चेक करते हैं कलपरेट फीमेल को मानते हैं पर टोटल परसेंटेज फिफ्टी फिफ्टी रोल है सो हम साइंटिफिकली चेक करते हैं और इसके ट्रीटमेंट भी अवेलेबल हैं दवाइयों से या हम असिस्टेड रिप्रोडक्शन बोलते हैं सो so, ये सारे मेथड हैं तो कोई भी इनफर्टिलिटी से ग्रसित हो तो वो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाए मेल पार्ट हम देखते हैं फीमेल पार्ट गाइनिकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट होते हैं वो देखते हैं न साहब आजकल लोग प्रेशर में ऐसे प्रेशर में कि मैंने थोड़ा समा ज़्यादा लगाना है मैंने ये करना है मैंने वो करना है क्या कहना चाहेंगे कि ये जो चीज़ें हैं ये जो अगर हम सेक्स की बात कर लें तो सेक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो एक माइंड से सेटअप होने वाली जो है रेज हैं और उसके लिए आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो एक क्वालिफाइड पर्सन से आप मिलें तो बढ़िया है ये नहीं है कि आपने वो नुस्खा खा लिया वो कर लिया देखिए इन सब में जो अलग अलग तरह के नुस्खे हैं वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं है सेक्स के लिए भी आजकल बहुत ज़्यादा सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं कपल्स में इसके लिए आप प्रॉपरली साइंटिफिकली चेक करवाएं और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लें इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत हैं इसमें ऑर्गेनिक फैक्टर बहुत हैं इसमें लाइफ फैक्टर बहुत हैं हेल्दी लाइफ नहीं है प्रॉपर एक्सरसाइज करें प्रॉपर फिज़िकल एक्टिविटी करें प्रॉपर डाइट रखें एंड माइंड को रिलैक्स रखें तो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स काफ़ी रिलीव हो जाती इसके बावजूद भी कोई प्रॉब्लम है आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे चेकअप कराएं एंड ये क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं यूरोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट बोलते हैं हम यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट ये आपकी हेल्प कर सकते हैं और आपकी इस स्ट्रेसफुल सेक्सुअल लाइफ में की प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं न क्या कहना चाहेंगे कि किडनी जो कि पहले इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी अब शुगर जो कि कैपिटल बन चुका है इंडिया शुगर की और इस वजह से किडनी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ रही है देखिए हमें फोर्टी की एज के बाद हमें अपना हेल्थ चेकअप ज़रूर कराना चाहिए किडनी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा शरीर का जो कि बहुत डायबिटिक एंड हाइपरटेंस ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों इफ़ेक्ट करते हैं किडनी पे असर करते हैं और इनका असर इरिवर्सिबल होता है सो so, इनका असर पड़ने से पहले किडनी पे हमें चेकअप करवा लेना चाहिए और इनकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए ताकि इनका किडनी पे बुरा असर कम हो एक बार किडनी पे इनका बुरा असर हो जाता है उसका रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है उसका इलाज आपको ज़िंदगी भर करना पड़ता है क्योंकि बॉडी का फिल्टर ख़राब हो गया तो वो ब्लड को साफ़ नहीं करेगा और उसके जो बुरे इफ़ेक्ट हैं वो हमारे पूरे शरीर पे होंगे इसलिए जो भी पर्सन डायबिटिक है जिसका भी ब्लड प्रेशर हाई है उनको किडनी को ज़रूर चेकअप करवाना चाहिए अपने ताकि किडनी लॉन्ग टर्म हमारा साथ दे और हम आगे उसको आ, सेव रख सकें और हेल्दी लाइफ लीड कर सकें डर साहब क्या कहना चाहेंगे कि अगर आप डॉक्टर्स किसी को सलाह देते हैं कि अब डायलिसिस हो, होना शुरू हो जाएगा आपका और पेशेंट उसको डिले करते हैं फिर कोशिश करते हैं किसी फिर हकीम के पास चले गए किसी और के पास चले गए उनके मन में होता कि डायलिसिस लग गया तो डायलिसिस ही लग गया क्या कहना चाहेंगे कि एक बार डायलिसिस अगर आपको डॉक्टर को लगता है कि डायलिसिस आपका होना चाहिए और आपका प्रॉब्लम है तो उसको तुरंत उसमें जाना चाहिए ना कि उसको फिर टोटकों के साथ अपनी किडनी को इतनी ज़्यादा डैमेज कर ले कि जिसके बाद डायलिसिस भी मुश्किल हो देखिए जब भी डायलिसिस चाहिए होता है इसका ये मतलब होता है कि आपकी किडनी का फिल्टर ख़राब हो गया किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर रही ब्लड की और ब्लड में इम्प्योरिटीज़ हैं तभी आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है इसके सिम्टम्स क्या होते हैं वो पेशेंट आप पेशेंट अगर डॉक्टर के पास जाता है उसको कोई ना कोई तकलीफ़ तो रहती है जो भी टोटके होते हैं वो शॉर्ट टर्म काम करते हैं और किडनी को ज़्यादा डैमेज करते हैं कुछ टोटके तो बिल्कुल काम नहीं करते रादर ज़्यादा नुकसान कर देते हैं क्योंकि ये टोटके साइंटिफिकली प्रूव नहीं है एक आदमी को थोड़ा सा असर कर दिया दूसरे को नहीं किया हम जिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों को असर नहीं करते उनको बिगाड़ देते हैं उनकी तरफ देखते हैं हम उनको ये नहीं देखते कि हम ये नहीं देखते कि ये टोटके किस में वो बड़ी पॉपुलेशन जिसमें वो उन्होंने खराब कर दिया उनको वो हमें नज़र नहीं आते हमें तो नज़र आते हैं एक आधा आदमी जो ठीक हो गया प्रोबेबली वो किसी और कारण से ठीक हुआ होगा सो so, हम उन टोटकों को भी अप्लाई कर लेते हैं पर हमारा कोई भी ट्रीटमेंट का बेसिस साइंटिफिक होना चाहिए और डायलिसिस की अगर ज़रूरत है तो हमारा ब्लड साफ़ करने के लिए होता है कई प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिसमें परमानेंट डायलिसिस नहीं लगता जैसे स्टोन के कारण डायलिसिस लग गया इन्फेक्शन के कारण डायलिसिस लग गया या कई बार एक्यूट रीनल प्रॉब्लम हो जाती है उनमें डायलिसिस ऐसी प्रॉब्लम में डायलिसिस बंद भी हो जाता है जो कि लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है जिसको हम सी कहते हैं उसमें डायलिसिस तो लगना ही लगना होता है और वो लंबा चलता है ड साहब यू आर एन इंस्टीट्यूशन आपके पास लंबे डाटेज हैं लेकिन पेशेंट्स की लंबी लिस्ट और बहुत ज़्यादा पेशेंट बाहर भी वेट कर रहे हैं आपका हमें समझ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देखें क्योंकि पहले भी जब आपकी टॉक की थी तो बहुत ज़्यादा हमें फ़ौर से भी रिव्यूज़ आए थे कि डॉक्टर साहब ने तो मज़ा ला दिया बात करते क्योंकि आपको जो लोग जिन्होंने आपसे ट्रीटमेंट ले रखा है आपने लंबा समय इस यूरोलॉजी में किडनी स्टोन्स में आपने गुजारा है आपका हमें समा देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू वेरी मच बहुत धन्यवाद